संपत्ति हम लोग पढ़ रहे हैं, संपत्ति क्या होता है? तो सर संपत्ति तो सर एक चीज होता है, कोई भी चीज हमारे आसपास देख रहे हैं वो संपत्ति है, बशर्ते कि उसे हम क्या करें, तो पैसे के रूप में हम उसे माप सके, उसका क्या करें हम, पैसे के रूप में उसे क्या किया जाए, मापा जा सके। तो अगर आप पैसे के रूप में किसी चीज को माप लेते हैं, जैसे आपके आप अभी अगर घर में पढ़ रहे हो तो आपके सामने अभी एकदम मोबाइल नजर आ रहा होगा, तो मोबाइल का आप सोचिए कि क्या मोबाइल का कोई कीमत है? तो यस सर कीमत है। तो अगर कीमत है तो वो संपत्ति है, लेकिन आप वहीं जहां पड़े हुए हैं तो आप उस बेड पर पड़े हुए हैं, क्या उस बेड का कीमत है? तो अगर आपका बेड नया नया है तो कीमत है, और अगर आपने अपने बेड को एकदम गंदा करके रखा है तो उसका मार्केट में कोई कीमत नहीं है, तो वो आपका संपत्ति नहीं है। जिस चीजों को आप देखते हैं उसका निश्चित दाम मिलता है, वैल्यू मिलता है, जिस पे आपका हक हो। अभी हम आगे लिखेंगे, द असेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, द पोजिशन POSSESION, पोजिशन मतलब अधिकार, द पोजिशन ऑफ द असेट्स असेट्स आर रेफर्स विथ द बिजनेस और सम पर्सन, है ना। संपत्ति क्या होता है? तो वो सभी चीज जो आपके सामने नजर आ रहा है, और संपत्ति में एक खास और खास खासियत है। क्या खास खासियत है? खास भी है खासियत भी है ना। तो क्या वो जरूरी उसमें खासियत है? तो वो खासियत ये है बच्चों कि उस संपत्ति का अपना एक वैल्यू होता है, और उसका पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार, किसी बिजनेस के हाथ में होता है। पोजीशन मतलब अधिकार होता है, किसी बिजनेस के हाथ में वो अधिकार होता है, और नहीं तो फिर किसके हाथ में होता है? तो किसी व्यक्ति के हाथ में। जैसे तुम अभी जहां बैठे हुए, तो मोबाइल पे अधिकार किसका है? तुम्हारा है। तो पोजीशन किसके हाथ में? बिजनेस के हाथ में या पर्सन के हाथ में? तो पर्सन के हाथ में मतलब व्यक्ति के हाथों में। लेकिन तुम्हारे पिताजी का अगर बिजनेस है बहुत बड़ा, किसी चीज का बिजनेस है, तो वो बिजनेस जिस जमीन पे है, तो वो जमीन किसका है? तो उस बिजनेस का है। उसमें लगे हुए सामान है, तो वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है? तो उस बिजनेस के नाम से रजिस्टर्ड है, तो वो भी क्या कहलाएंगे? संपत्ति कहलाएंगे। तो संपत्ति का आपका सिंपल क्लियर हुआ क्या कि संपत्ति उसे कहेंगे सर जिसपे बिजनेस के मालिक का हक हो, संपत्ति उसे कहेंगे जिसपे बिजनेस के मालिक का हक हो, चाहे वो रखे या उसे बेच दे। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको किस चीज में, तो पैसा के रूप में मापा जा सके। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसे पैसा के रूप में मापा जा सके। संपत्ति का एग्जाम्पल, तो जैसे आपके हाथ में रखा हुआ पैसा, कैश अकाउंट, ये संपत्ति है। और बताइए सर, तो फर्नीचर बार बार है, हमेशा तो आया, आपको आगे तक देगा, एकदम रट जाइए, मैं इतना बार बोलूंगा कि आपको याद हो जाएगा। फर्नीचर आपका फर्नीचर संपत्ति है। अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? अकाउंट नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, फर्नीचर संपत्ति है। और क्या आपको नजर आता है आपके आसपास? आपके आसपास जो है, आपको जो भी नजर आता है वो क्या होगा? संपत्ति होगा। और क्या नजर आता है? तो सर बिल्डिंग नजर आता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, बिहार में लोग तो बिल्डिंग ही खरीदते हैं, बिल्डिंग हो गया, संपत्ति है। और क्या नजर आ रहा है? सर मेरे पास बुक है, बुक क्या है? संपत्ति है। और क्या नजर आ रहा है? आप पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर पंखा है, फैन, ये क्या है? संपत्ति है। ये सभी चीजें क्या है? संपत्ति है। अच्छा, कभी कभी जानते हो तुम्हारे पापा का बहुत नाम है मार्केट में, तुम्हारे पापा का नाम ले लेता है कोई, तो उस पे उसको लोन मिल जाता है। हाँ, गुड्स भी संपत्ति है बाबू, गुड्स भी संपत्ति है, रियल है वो, है ना। कभी कभी उसमें विवाद है कि सर पर्सनल भी जाता, लेकिन नहीं, अभी रियल ही है। एक मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें जो है पांच तरह के अकाउंट होते हैं, एसेट लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। देखिए, अभी मैंने अकाउंट आपको दो तरह का बताया, पर्सनल और इम्पर्सनल, फिर अभी मैं कुछ दिन बाद आपको अकाउंट पांच तरह के बताऊंगा कि एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच, सभी चीजें कराऊंगा। जैसे जैसे मैं क्लास देते जाऊंगा आपको क्लियर होते जाएगा।
कुछ अकाउंट्स में लेकर के अकाउंटेंट में विरोध है कि ये पर्सनल भी है और रियल भी है। इसके चलते एक नया नियम आया मॉडर्न अकाउंटिंग, तो वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे किस तरह से आप बचपन में नाउन पढ़े, तो नाउन 5 पढ़ाया जाता है, फिर नाउन 3 भी पढ़ाया जाता है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो सभी चीजें होंगी, अभी जैसे जैसे करा रहा हूँ वो समझे। तो कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग हो गया, बुक हो गया, फैन हो गया। और एक चीज जो मैं आपको कर रहा हूँ, ध्यान देना, तुम्हारे पापा का मार्केट में बहुत नाम है, तुम्हारे पापा का नाम ले ले तो बैंक वाला या उधार देने वाला 20 मांगो तो 30 उधार देता है, वो उनके द्वारा भेजे गए हो। तो ये गुडविल, ये जो नाम होता है किसी का, नाम और प्रसिद्धि, ये क्या होता है? गुडविल होता है, इसको इंग्लिश में गुडविल बोलते हैं। और ये भी क्या है? असेट्स है। तुम बिजनेस करने उतरे है ना, तुमने कहा कि हम जो है एक अपना सामान बनाएंगे और बेचेंगे, लेकिन आप बेचने के लिए उतरे तो आपका बिक ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपको कोई जानता ही नहीं है। अगले दिन तुम अपने दुकान के ऊपर बोर्ड टांग दो, पतंजलि, बाबा रामदेव, है ना, ऑल द प्रोडक्ट्स आर रेफर्स टू पतंजलि.com। हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट है वो पतंजलि के हैं या पतंजलि के थ्रू आते हैं। तो आपके दुकान में क्या होने लगेगा? भीड़ होने लगेगा। फिर बाबा रामदेव कहेगा मेरा नाम यूज करता, तुम पे FIR कर देंगे। तो तुम बोलोगे कर रहने दीजिए ना बाबा, आप भी कमाइए हम भी कमाते। कहता ऐसा कमाने के लिए तुमको क्या होना देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, लाइसेंस लो हमसे। वो जो लाइसेंस देता है ना, वही एक गुडविल। नाम पे भी, प्रसिद्धि पे भी पैसा कमाया जाता है, और किसी के नाम या प्रसिद्धि को भी पैसे के रूप में ट्रांजैक्शंस किया जाता है। और ये जो नाम और प्रसिद्धि रहता है इसे गुडविल बोलते हैं, और ये किसी का क्या होता है? संपत्ति होता है। तो लोग अपने नाम को भी बेचते हैं, है ना। पहले फिल्म वगैरह में कहता था यार तुम एकदम अपना नाम बेच दिया, अब तो नाम बेचना भी प्रॉफिट वाला चीज है, लोग खुशी खुशी बेचता है बड़े बड़े आदमी। तो ये भी क्या है? गुडविल भी क्या है? संपत्ति है, समझिएगा। गुडविल पे स्पेशल 3 मिनट हम बोले हैं, तो गुडविल क्या है? ये भी आपका क्या है? संपत्ति है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने सिखाया क्या? संपत्ति। संपत्ति किसे कहते हैं? जिसपे बिजनेस के मालिक का हक हो, चाहे वो रखे या उसे बेच दे, तो ये क्या होता है? संपत्ति होता है। अब हम देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको संपत्ति जो होते हैं। अब यही संपत्ति आप देख रहे हैं, तो संपत्ति क्या है? कुछ संपत्ति नजर आता है। ये जो संपत्ति है ना, असेट्स, दो तरह का होता है। एक होता है जिसे आप टच कर सकते हैं, और एक होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते। जैसे देखो ना, कैश तो फट से जाके पापा के दुकान में पैसा छू दोगे, ये हो गया टच कर लिए। फर्नीचर, फट से जाके किराना दुकान वाला फर्नीचर छू दोगे। बिल्डिंग छू दोगे, फैन छू दोगे, कुर्सी टेबल लगा करके टच कर ही दोगे। लेकिन गुडविल, किसी का नाम और प्रसिद्धि, इसको टच तुम नहीं कर सकते, ये कभी तुमको नजर नहीं आता है, ये कभी तुमको जो है नजर नहीं आता। तो संपत्ति भी कई एक तरह के होते हैं। ये जो असेट्स होते हैं ये कई एक तरह के होते हैं, और बहुत तरह का होता है संपत्ति। कई एक तरह का होता है, पहले तो दो तरह का होता है, एक टांजिबल और एक इनटांजिबल। टांजिबल मतलब समझ ही रहे हैं, जिसे छुआ जा सके, या इनटांजिबल मतलब जिसे नहीं छुआ जा सके। फिर होता है आपका एक फिक्स्ड असेट और करेंट असेट, मतलब जो आपको मेन पढ़ना है, जो मेन पढ़ना है ना, वो होता है, हम लोग लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ऐसे असेट्स के कई एक टाइप है, लेकिन जो मेन है दो तरह के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स। जनरली संपत्ति जो है वो दो तरह के होते हैं। ये क्या होते हैं? एक होता है आपका फिक्स्ड एसेट, एक आपका होगा फिक्स्ड एसेट, FIXED, फिक्स्ड एसेट्स, एक हो गया फिक्स्ड असेट्स, और दूसरा होता है क्या? करेंट असेट्स। अब समझो बाबू, फिक्स्ड असेट्स और करेंट असेट्स क्या होता है? देखिए, संपत्ति में नेचर होता है ना, संपत्ति को एक पैसा में बदलने के आधार पर देखा जाता है कि भाई
कैश कैश कन्वर्सन में कितना टाइम लगता है? कैश कन्वर्सन मतलब क्या, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है लेकिन तुम्हारे पास संपत्ति रहेगा और तो भी तुमको काम नहीं देगा, है ना। सब कहावत बोलता है ना कि इतना धन दौलत था तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कैश कन्वर्सन के आधार पर भी संपत्ति को बांटा जाता है। होता क्या है कि एक ऐसा संपत्ति है जिसमें कैश कन्वर्सन बहुत फास्ट होता है और कुछ ऐसे संपत्ति है जिसमें कैश कन्वर्सन यानी पैसा में बदलना चाहो तो बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे पैसा में बदलेगा और बदलने में तुम्हारा बुखार छूट जाएगा। तो ऐसे संपत्ति जो फास्टली कैश में रिलीज होते हैं वो करेंट असेट्स, और ऐसे संपत्ति जिनमें कैश में बदलने में बहुत टाइम लगता है वो हो गया फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड है, अटल है, बदलेंगे ही नहीं, है ना। जो फास्ट में रिलीज होते हैं वो जनरली वन ईयर के अंदर, सरकार कहती है कि अगर एक साल में पैसा में वो बदल जाए, सरकार कहती है कि अगर एक साल में वो पैसा में बदल जाए तो करेंट असेट, और सरकार कहते कि बाबू एक साल के बाद भी अगर कोई नहीं बदला पैसा में, सरकार का रूल है ऐसे, तो तुम अपने अनुसार खुद जान जाओगे कौन फिक्स्ड और कौन करेंट। लेकिन सरकार कहता है ना दो एक को साल में नहीं कैश में बदला तो एक साल में भी नहीं बदले तो वो फिक्स्ड असेट। सर ऐसा क्या संपत्ति है हम लोग को भी बताइए। तो देखो इसको समझने के लिए तुम समझो दो आदमी है, एक है आर रवि और दूसरा है कवि। रवि जो था बहुत अमीर था, रवि के पास जमीन है, लैंड है 10 लाख का, कार है 8 लाख का, और पैसा है घर में पैसा रख ले कैश 1 लाख। तो सर रवि तो 10, 18 और 1, 19, तो रवि कितने का आदमी है? 19 लाख का। कितने का आदमी है? 19 लाख का। कवि के पास जमीन नहीं है, बेचारा गरीब है, कवि कवि जी महाराज कवि न रहेंगे, इसके पास 10 लाख का जमीन नहीं है, कार भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, लेकिन कवि महाराज के पास कैश है 3 लाख, पैसा जमा ही कर रहा था 3 लाख। अब हुआ क्या कि एक्सीडेंट हो गया, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, किसके साथ? रवि के साथ और कवि के साथ। हमारे बात को सुनिए, रवि और कवि दो आदमी है, बात को सुनिएगा ना आपको तुरंत समझ में आएगा। रवि और कवि दो आदमी हैं और आप जवाब भी दे सकते हैं, हम अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं जब पूछेंगे, लेकिन जब पूछेंगे तब जवाब दीजिएगा। रवि और कवि दो आदमी हैं, रवि के पास 10 लाख का जमीन है, 8 लाख का कार है और 1 लाख का कैश है पैसा। कवि के पास जमीन नहीं है न कार है लेकिन 3 लाख रुपया है। दोनों जा रहा था पिकनिक पे, दोनों के वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। ये लोग नहीं मरा, मरने वाली कौन है? इनकी वाइफ। सर मरा तो इस मरी तो इसकी वाइफ भी नहीं है। हाँ बच गई, है ना। तो दोनों की वाइफ अभी बची भी नहीं है, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों की वाइफ क्या है? हॉस्पिटल में एडमिट है। अब डॉक्टर बोला कि इसको बचाने में 2 लाख लगेगा। बचाने में क्या लगेगा? 2 लाख। बताओ किसके प्रति तुम श्योर हो, किसकी वाइफ एकदम बच जाएगी, एकदम कंफर्म तुम जानते हो कि सर ही बचा लेगा अपनी वाइफ को? बताइए कौन बचा लेगा? कभी बोले। और कोई एक ही आवाज आया ना, बारी बारी से। शीतल शीतल बताइए कौन? रवि बचाएगा? कभी। नैन्सी बताइए? कभी। कभी बताएगा। विराज? कभी कभी। सब कभी बोलोगे, कोई तो दूसरा बोलो। साहित्य राज? साहित्य राज आवाज नहीं जा रहा। कभी बचाएगा? हाँ सर। कौन बचाएगा? कभी 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 ना बचाएगा सर, मेरा सेम है। हाँ
हाँ सेम है, कभी बचाएगा। देखो साफ पता चल रहा है कि बचाएगा कौन, कभी। क्यों बचाएगा कभी? क्योंकि कभी के पास कन्वर्सन कैश, कैश ऐसा संपत्ति है जिसको पैसा में तुरंत बदला जा सकता है, इसको पैसा में बदलने में कोई देर नहीं लगता है, तो इसलिए ये तुरंत बचा लेगा। जबकि इसके पास जो संपत्ति है ना, ये जमीन बेचने जाएगा तो बुखार छूट जाएगा। जमीन जब बेचने जाएगा, तुम्हारा अनम्यूट हो जाता है, तुम्हारा तुम चली जाती हो नेहा, तुम्हारे यहाँ कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए घर के आगे पीछे होइएगा ना थोड़ा बहुत, टावर आपका फुल आ जाएगा तो हो जाएगा। हम क्वेश्चन पूछे जो सुनी, तुम जवाब दे सकती हो, बोलो कौन अपनी वाइफ को बचा लेगा, रवि या कभी? अच्छा ठीक है, हम आपसे बात करेंगे, शायद आपको अभी अनम्यूट करने या जवाब देने नहीं आ रहा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी बचा लेगा, कभी क्यों बचा लेगा, क्योंकि इसके पास करेंट असेट्स है, मतलब पैसा ज्यादा है, और ये तो जमीन बेचने जाएगा तो उसकी पत्नी का दूसरा जन्म भी हो जाएगा दूसरे जगह, तब तक ला कार बेचने जाएगा तो और झमेला। तो देखो इसी के आधार पे हमारे यहाँ अकाउंटेंट में, लो सब साफ हो गया, हाँ हमारे यहाँ अकाउंटेंट में वैसा संपत्ति जो तुरंत पैसा में बदल जाए करेंट असेट्स, और वैसा संपत्ति जिसको पैसा बदलने में देर लगे वो क्या कहलाता है, फिक्स्ड असेट। और फिक्स्ड असेट का सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या है, फिक्स्ड असेट का सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या है बाबू, तो लैंड एंड बिल्डिंग। हम एग्जाम्पल लिख देंगे, अभी इसके बारे में विशेष नहीं आपको लिखाएंगे क्योंकि वो आपको काम भी अभी नहीं देगा। फिक्स्ड असेट्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो सर लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, इसको सबसे बेहतर अव्वल दर्जे का फिक्स्ड असेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन जायदाद खरीदना और बेचना सबके बस के बात नहीं है, है ना? भारत में जमीन जायदाद खरीदना और बेचना सबके बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और कर लेता है जो वो समझो सिकंदर। तो जमीन लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, और क्या है फिक्स्ड एसेट सर, जिसको बेचने में टाइम लगेगा? फर्नीचर है बाबू, नहीं गोदरेज है, दिस दैट तुम बना हुआ, अब उसको कवाड़ के बेचोगे, उसको डिस्ट्रॉय कर बेचोगे, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ये सभी क्या होते हैं फिक्स्ड असेट। खास करके जो चीज घर में इंस्टॉल किया हुआ है वो सभी क्या है, फिक्स्ड असेट। करेंट असेट क्या होता है सर, तुरंत पैसा में बदल जाए, तो सबसे पहले तो कैश पैसा, इसको तो जरूरत नहीं है, तुरंत बदल जाएगा। उसके बाद सर बैंक, बैंक मतलब बैंक नहीं, बैंक मतलब बैंक बैलेंस तुम्हारा, वो भी तुम्हारा संपत्ति होता है, तुरंत पैसा में बदल जाएगा, जाओगे साइन करोगे बदल जाएगा। और सर करेंट असेट क्या होता है, डेप्टर्स, डेप्टर्स का मतलब जिससे जो आपको पैसा देगा, दास डेप्टर और दास देनदार, ये भी क्या है करेंट असेट, जो आपको पैसा देगा, है ना? तो डेप्टर भी हो गया क्या करेंट असेट। उसके बाद कैश, बैंक, डेप्टर, एक होता है बीआर। बीआर क्या होता है हम आपको समझाएंगे, बीआर का मतलब होता है चेक, बिल्स रिसीवेबल, चेक टाइप का, वो अगर आपके पास है तो उतना पैसा, वो प्रूफ है कि आपने उतना का सामान किसी को बेचा है और आपको वो व्यक्ति उतना पैसा देगा, तो ये भी क्या है संपत्ति है। तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका क्या करेंट असेट्स। तो इस तरह से हमने असेट्स और असेट्स का प्रकार समझ लिया। अब क्या समझेंगे सर, तो अब नेक्स्ट टर्म समझिए जो हम आपको नेक्स्ट समझाने जा रहे हैं। अगला जो टर्म है हमारा, वो टर्म हम आपको समझाने जा रहे हैं, आपका अगला टर्म है वो है असेट्स के बाद समझिए लायबिलिटी। असेट्स के बाद आपको बताने जा रहे हैं लायबिलिटी, एल आई ए बी आई एल आई टी वाई, ये सब आपको अभी मदद करेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा, एल आई ए बी आई एल आई टी वाई, नहीं तो आप बनाइएगा मैथ और बीच बीच में आते रहेगा और कंफ्यूज होते रहेगा, मैथ तो बन ही जाएगा जैसे तैसे, लेकिन जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर हो तो नहीं समझ में आएगा। डीके गोयल में तो बगल में इलुस्ट्रेशन भी रहता, आपका हो जाएगा, समझिएगा बेसिक भी। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसे दायित्व, और बिहार वाला इसको नहीं समझेगा, बिहार वाला को एकदम चाहिए ठेठ भाषा, यानी इसको शुद्ध शुद्ध बोलेंगे कर्ज,
कर्ज बोलेंगे तो तुरंत पकड़ लेगा कर्ज, ओ बकाया। और दायित्व बोलेंगे तो नहीं समझेगा, दायित्व भी वही चीज हुआ बाबू कर्ज। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्ज यानी दायित्व। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि वह पैसा जो बिजनेस किसी दूसरे से उधार लेता है। तो यहाँ लिखेंगे इसका डिफिनीशन, दायित्व का डिफिनीशन यानी समझेंगे, द अमाउंट विच इज, द अमाउंट विच इज ऑड, ओ डब्ल्यू ई डी, ऑड, ऑड मतलब कर्ज लेना, ऑड बाय द फर्म और बिजनेस इज नोन एज, इज नोन एज लाइबिलिटी, है ना। जब बिजनेस का आदमी बिजनेस में किसी से उधार लेता है, कर्ज लेता है, तुम्हारे पापा को पैसा का, तुम्हारी दीदी का शादी है तो पापा के पास पैसा नहीं है कि सारा पैसा से वो लगा करके कर दें, ये शादी करवाना और जमीन लेना मकान बनाना या ऐसा चीज है कि लोगों को पैसा घट ही जाता है। तो जब आपके पापा ने किसी से मांगा, आपके मामा से मांगा या आपके चाचा से मांगा, तो वो जो पैसा मिला वो पैसा क्या है, लाइबिलिटी का मतलब कर्ज। जब आपके पापा ने किसी से या आपने अपने बगल वाले दुकान से उधार सामान खरीदा, तो सामान तो खरीद लिया लेकिन जो पैसा मिला, जो सामान लाया, जो आपके नाम पे चढ़ गया पैसा, कितना पैसा का तुम सामान ले लिए, वो क्या है, कर्ज। तो द अमाउंट विच इज ऑड बाई द फर्म और द बिजनेस, वह पैसा जो बिजनेस के मालिक या बिजनेस के द्वारा लिया जाता है, उधार लिया जाता है, इज नोन एज लाइबिलिटी, क्या कहलाता है, लाइबिलिटी कहलाता है। इसका जो सबसे एग्जाम्पल याद रखेंगे, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे सर एग्जाम्पल हो गया क्रेडिटर, क्रेडिटर हमने अभी आपको समझाया और अभी हम इसका डिफिनेशन भी लिखेंगे, क्रेडिटर जिसे उधार सामान, जिससे उधार सामान आपने खरीदा, तो क्रेडिटर। फिर एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं आपको समझाता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर हो गया आपका क्या, क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन हो गया, बैंक से लोन ले लिया, एल ओ ए एन, लोन, ये सभी क्या है, कर्ज है, या कर्ज है या क्या है, लाइबिलिटी है। साहित्य राज बोल रहे हैं कि सर लाइबिलिटी फिर से समझाइए, लाइबिलिटीज का मतलब होता है बाबू दायित्व, और दायित्व का मतलब सीधे सीधे ठेठ भाषा में समझिए कर्ज। जब आप किसी से कुछ पैसा उधार ले लेते हैं या सामान उधार ले लिए, तो जो पैसा आपके नाम से चढ़ गया कि तुम इतना पैसा का उसके यहाँ कर्जदार हो गया, उस राशि को ही लाइबिलिटी बोलते हैं। द अमाउंट विच इज ऑड बाय द फर्म, वह राशि जो बिजनेस के द्वारा या बिजनेस के व्यक्तियों द्वारा उधार लिया जाता है, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो लोन आपका लाइबिलिटी है, अगर किसी व्यक्ति से उधार लिया है तो वो क्रेडिटर कहलाता है, वो भी आपका लाइबिलिटी है। एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट समझिए क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट जानते हो क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट का खाता हो गया, गवर्नमेंट अकाउंट, नीतीश कुमार का बिहार में हो नीतीश कुमार का खाता, या सरकार मोदी सरकार है उसका खाता, अकाउंट मतलब बैंक में जो खाता रहता है, या बड़ा बड़ा कंपनी टाटा मोटर्स का खाता, कभी आज तक सुने हो तुम लोग कि इसका खाता में पैसा नहीं है। मान लीजिए आपको सरकार नीतीश कुमार ने चेक दिया 1 करोड़ का या 1 लाख का कि लो ये 1 लाख गरीब के तरफ से तुमको मिला, और तुम बैंक में जाओ और चेक क्या कर जाए, बाउंस कर जाए कि नीतीश कुमार के खाता में पैसा नहीं है, या टाटा मोटर्स के खाता में पैसा नहीं है, या मोदी के गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या है वो राशि नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा, मीडिया में हो हल्ला मच जाएगा और एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए, और ये जरूर हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है, कभी भी हो सकता है, अभी इतना बड़ा बाढ़ आया, सरकार नीतीश कुमार पैसा निकालने लगेगा मोदी गवर्नमेंट के खाता से, तो एकाएक बैलेंस खत्म भी हो सकता है, बट आज तक सर ऐसा हुआ क्यों नहीं,
ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन लोगों के अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा रहती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा क्या होती है सर? जिन जिन का जनधन अकाउंट है ना, आप ऑनलाइन देखिएगा तो उसमें लिखेगा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर उसमें उस खाता में पैसा कम जाए तो बदले में बैंक पैसा देगा, लेकिन कभी किसी को वो ये नहीं बोलकर लौटाएगा या कभी किसी को ये कल कर उसका अकाउंट से पैसा नहीं निकालेगा कि खाता में पैसा नहीं है। मतलब अगर सरकार के खाता में 4 लाख है और तुमको सरकार 6 लाख निकालने दिया है तो तुम जाओगे तो बैंक वाला ये नहीं कहेगा कि अभी 4 ही लाख है। बैंक वाला क्या करेगा, 2 लाख अपना लगा देगा और तुमको 6 लाख दे देगा और फिर सरकार से कहेगा कि सर आपका 2 लाख हम लगा दिए हैं, तो 2 लाख सरकार से ये ले लेगा, बदले में कुछ चार्ज भी ले ले, 2 लाख 5 हजार ले ले, 2 लाख 10 हजार ले ले बैंक कि सर आपका खाता मेंटेन कर दिए, किसी को बोला नहीं गया कि आपका खाता में बैलेंस नहीं है। तो इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के सुविधा बड़े बड़े बिजनेसमैन को और सरकार को या आपको भी मिल सकता है, बदले में कुछ बैंक चार्ज लेती है। ये क्या होता है, कभी किसी को बोला नहीं जाएगा कि आपके खाता में पैसा नहीं है, या कभी भी आप जो चेक साइन कीजिएगा कि जाओ मेरा खाता से पैसा निकाल लो, उस व्यक्ति को लौटाया नहीं जाएगा। मतलब आपके खाते में आपके अकाउंट के डेबिट बैलेंस को कभी कम नहीं किया जाएगा, कभी आपके बैलेंस को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये भी एक तरह से बैंक, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रहा तो आपको क्या कर रहा है, कर्ज में बांध रहा है ना जी। तो इसलिए वो क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। खैर लाइबिलिटी हम बहुत डीपली चल गए, फिर से समझ लीजिए सीधे सीधे, लाइबिलिटीज का मतलब कर्ज, जिस पे जब बिजनेस को ऐसा लगे कि उसके ऊपर किसी का कर्ज है वो क्या कहलाता है, लाइबिलिटी कहलाता है। लाइबिलिटी का मतलब सिंपल भाषा में आज न कल आपको क्या करना है, वो पैसा देना है। लाइबिलिटी का उदाहरण हो गया क्रेडिटर, मतलब महाजन, बड़े बड़े महाजन, गांव में किसान लोग को उधार देता महाजन, बाद में पैसा वसूलता है। तो महाजन, बैंक, ओवरड्राफ्ट या लोन, ये सभी क्या है, लाइबिलिटी है। अब आगे चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। असेट समझ लिया, लाइबिलिटी समझ लिया, नेक्स्ट इससे जो रिलेटेड टर्म है वो है आपका कैपिटल। अब समझेंगे क्या कैपिटल, असेट हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, अब समझेंगे कैपिटल। ये हो गया कैपिटल। कैपिटल समझिए क्या है, तो द अमाउंट, वह राशि जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, है ना। वह राशि जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है ना, जैसे तुम मेरी बातों को सुना, सूरज सर तो बड़ा बढ़िया बढ़िया कॉमर्स का बात बोले, हम बहुत प्रेरित हुए और हम भी बिजनेस करेंगे। तुमने मेरी बातों को सुना और पापा से पैसा लगा करके तुम बिजनेस किए, क्या किए, किसी तरह का आप गया में किसी तरह का शोरूम खोल दिए, उसमें 50 हजार का सामान लगा दिया आपने, 10 हजार का उसमें